और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और मुजाहिरीन के सूबाई वजीर कानून राजा बशारत से कामयाब मुजाकरात और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के बाहर जो एहतजाज जारी था, राजा बशारत वजीर कानून जो है उनका एपका मुलाजमीन के साथ मुजाकरा जो है वो कामयाब हो गए हैं और अब एपका मुलाजमीन जो है पंजाब असेंबली के बाहर 6 घंटे से जो है वो एहतजाज कर रहे थे, वो अब एहतजाज जो है वो खत्म हो चुका है। हाजिर शाह जो सदर एपका पंजाब जो है, इनका कहना है कि मुतालबात में से हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन को बहाल कर देने वाला मुतालबा और उसके साथ साथ टेक्निकल बोर्ड पर बनने वाली जो कमेटी है इस पर नजरसानी की भी यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि पंजाब भर में महकमा सेहत के क्लर्कों समेत पंजाब टेक्निकल बोर्ड के तहफात दूर करने का फैसला किया है और इसके साथ साथ मुजाकरमा वजीर कानून जो है उनकी जानब से मुलाजमीन की तनखाओं में इजाफा और जिंदा मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस देने की भी यकीन दहानी करवाई है, जबकि वजीर कानून की यकीन दहानी पर एहतजाज को मौखर कर दिया है और मुतालबा 2 दिन के अंदर जो है वो हल किए जाएंगे। 15 दिन में मुतालबात की मंजूरी ना हुई तो आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा, ये कहना है जी सदर जो है ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद का। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानब से पंजाब भर के डीसी ऑफिस के बाहर जो एहतजाज जारी था मुतालबा की मंजूरी के बाद अब जो मुजाहरीन है वो मुंतशिर हो चुके हैं। जी ठीक है, जो मुजाहरीन थे मुंतशिर हो चुके हैं क्योंकि कामयाब मुजाकरा तय पाए हैं, एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। वैसे बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।